हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी का नंबर लगवाने। हमारा नंबर आ चुका है जो कि फैंसी नंबर है। ब्लॉग में जुड़े रहें, आपको दिखाएंगे सारा कौन सा नंबर है, आपको पता चल जाएगा। तब तक गेस करो कि कौन सा नंबर हो सकता है कमेंट में। एक्चुअली ये गाड़ी हमने पंजाब से ली थी और नंबर हमें J&K का लगवाना है। तो प्रोसेसिंग वगैरह फाइल की हो चुकी थी गाइज, और नंबर भी हमने बुक करवा दिया था। और नंबर है फैंसी नंबर JK08, और बाकी आप गेस करके बताओ कौन सा हो सकता है, आपको आगे पता चल ही जाएगा वैसे। तो चलिए, अभी मैं और पापा जा रहे हैं। और अभी हम निकल रहे थे तो मौसम देखिए कुछ ऐसा हो गया है, कितना ज्यादा अच्छा। गाइस, फाइल वगैरह और सारा जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती है नंबर वगैरह लगवाने की, वो सारी कम्प्लीट हो चुकी थी। और आपको सारा प्रोसेस वगैरह बता दूंगा मैं, कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले चलते हैं हम शोरूम में और देखते हैं नंबर प्लेट कैसी है और नंबर कैसा लगता है गाड़ी में। फिर उसके बाद आपको सारा प्रोसेस वगैरह मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस करवाया और फाइल वगैरह, जैसे हमने दूसरी स्टेट से गाड़ी लिया और अपनी यहाँ पे J&K में लगवा रहे हैं उसका नंबर वगैरह, तो सारा आपको प्रोसेस भी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में। काफी मजा आता है रेनी डे पे। किस किस को रेनी डे पे गाड़ी चलाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं। रेनी डे हो और लॉन्ग ड्राइव एंड रोमांटिक सॉन्ग्स किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। सो अभी हम चल रहे थे तो वाइपर ऑन किया था, तो बारिश पड़ रही है, तो वाइपर जैसे ऑन किया तो आवाज कर रहा है काफी ज्यादा। ये देखिए, आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो देखो, ये पता नहीं क्या है, ये अभी नई गाड़ी है, ऐसे वाइपर आवाज करना तो नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताओ कि ये नॉर्मल है या फिर कोई खराबी है वाइपर में, मुझे दिखाना चाहिए। अभी वैसे भी हम जा ही रहे हैं शोरूम, तो वहां पे पता करते हैं, उनको पूछेंगे कि ये आवाज क्यों कर रहा है इतनी ज्यादा। अभी रास्ते में देखिए, ये सारा ट्रैक्टर ऊपर ये इतना बड़ा लेके जा रहा था तो ये सारा पलट गया। तो पराली लेके जा रहा था, पराली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके क्या बोलते हैं गाइज इसे कमेंट करके जरूर बताना। तो बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, उसकी वजह से शायद हो गया हो ये। सो होप ठीक हो सब। तो चलो, हम तो आगे चल रहे हैं, अभी वहां पे था कोई नहीं वैसे, ये मुझे लग रहा थोड़ा पहले ही हो गया था। सो अभी हम पहुंच चुके हैं शोरूम में और भैया गाड़ी को अंदर ले गए क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही थी। तो हम यहाँ पे सर्विस सेंटर में आ गए हैं दोबारा, और अभी आगे ले गए हैं, नंबर प्लेट यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो आते ही यहाँ पे वाइपर दिखाया भैया ने, सेट किया और बिल्कुल ठीक हो गया वाइपर। अभी नंबर प्लेट लेने गए हैं भैया, वेट कर रहे हैं हम, देखो जब आता है तो। यार ये नोवेल्टी यहाँ लिखे गए थे वहाँ, अभी नंबर प्लेट लगा रहे हैं भैया यहाँ पे, ढूंढ रहे हैं सेंटर गाड़ी का और फिर उसके बाद लगा के फिर आपको दिखाएंगे कैसा है इसका सारा रिजल्ट। तो बैक वाला अभी लग गया, अभी गाड़ी को टर्न करके यहाँ पे लगाएंगे और ये भैया तैयार कर रहे हैं फ्रेम को। ये तो हार लो, अभी नंबर प्लेट लग गया गाड़ी को। तो अभी सोच रहे हैं कि सीट कवर्स भी डलवा लेते हैं, अभी यहाँ पे आए हैं पठानकोट, तो अभी हम आए हैं जैनसन, तो यहाँ पे पता करते हैं सीट कवर्स का।
तो सीट कवर्स यहाँ पे अवेलेबल थे और ब्लैक कलर भी अवेलेबल था, तो भैया ने यहाँ पे हमने डन किया और ये अभी स्टार्ट कर दिया इन्होंने प्रोसेस, अभी सीट्स वगैरह सारी निकाल रहे हैं। वैसे इसकी कटिंग वगैरह नहीं करवाऊँगा मैं सीट्स की, सीधा ऊपर ही इसको कवर कर देंगे हम। और बैक सीट इन्होंने निकाल रही है बेंच वाली, ये देखिए आप सारी, और फ्रंट वाली सीट भी इन्होंने ये देखिए निकाल ली है। वो ऐसी कुछ फ्रंट सीट लग रही है, ये इन्होंने चढ़ा दी, और बैक सीट भी ये देखो कैसे लगे हुए हैं, ज़ोर ज़ोर से सेट कर रहे हैं इसको अपनी प्लेस पे। सो गाइज अभी यहाँ पे सीट कवर्स वगैरह हमने लगवा लिए हैं, कटिंग वगैरह नहीं करवाई है मैंने सीट्स की, नॉर्मल ऊपर वो करवाए हैं, वो थोड़े टाइम के बाद करवाएंगे, अभी नई नई गाड़ी है तो थोड़ा होता है ना, आप समझ सकते हो कि कटिंग वगैरह नहीं करवाई मैंने, बाकी ऊपर ऊपर से चढ़वाए हैं तो अच्छे हैं ये कवर्स। इनका आपको बाहर जाके ये जो थोड़े बहुत रिंकल्स वगैरह इसमें दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब बैठेंगे इनमें और सनलाइट वगैरह पड़ेगी तो ये ठीक हो जाएगा अपने आप, बाकी ऐसे ठीक है, ये स्लिपरी नहीं है तो ऐसे तो ठीक ही है अभी कंफर्ट फिलहाल। एक्सपीरियंस आपको बताएंगे थोड़ा यूज़ करके कैसा इनका रहता है। नोवेल्टी की ब्रांडिंग कुछ ज़्यादा कर दिया, ये हटाना पड़ेगा, ये भी हटा दूंगा यहाँ से और ये भी यहाँ से, इसको भी ब्लैक करवा देंगे पूरा तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज अभी शाम हो चुकी है और नंबर कुछ ऐसा लग रहा है गाड़ी पे लगा हुआ, देखिए आप कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रंट से कुछ ऐसा लग रहा है नंबर, देखिए आप। और अभी मैं आपको सीट कवर चेक करवाता हूँ, और सीट कवर की फिनिशिंग कुछ ऐसी है, देखिए आप देख सकते हैं, अभी की मैंने ये कट वगैरह नहीं करवाया है, ऊपर ही चढ़वाया है, सिर्फ कवर करवाया ऐसे, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिटिंग आई है और नॉन स्लिपरी हैं कवर्स, क्वालिटी पता नहीं कौन सी है, और इनका रेट मुझे पड़ा है 6500 का पड़ा है, ये आर्म रेस्ट भी उन्होंने लगा के दिया बीच में ही फ्री का, और ये देखिए सारा पीछे भी कुछ ऐसी ही फिटिंग है सीट कवर्स की, और आर्म रेस्ट की जो इन्होंने स्टिचिंग है वो रेड कलर में की है ताकि मैच हो जाए, ये देखिए आप। सो गाइस नंबर लगवाने का प्रोसेस की बात कर ली जाए तो जो यहाँ से हमने ली थी शोरूम से पठानकोट से, उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के एक फाइल बना के तैयार करके हमें दे दी थी, जिसमें कि गाड़ी के जो सेल्स लेटर है और इंश्योरेंस वगैरह सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे यहाँ पे हमारे आरटीओ में, तो हमने वहाँ से फाइल लाके आरटीओ में डिपॉजिट करवाई। उसके बाद जो रोड टैक्स हमारा लगा 0.9% है हमारे J&K में, तो वो लगा हमारा जितना गाड़ी का प्राइस है एक्स शोरूम उसके ऊपर। और गाइज जो हमने जो नंबर लिया ये चॉइस नंबर है, ये आपको एम परिवहन जो गवर्नमेंट साइट है वहां पे जाके लॉगिन करो आप, वहां पे अपनी आईडी बना के उसके बाद अपनी स्टेट डालो और अपना आरटीओ डालो वहां पे, उसके आपको वहां पे आपको ऑप्शन आएंगे एक फैंसी नंबर का और एक उसके बाद चॉइस नंबर का। सो हमने ये चॉइस नंबर लिया, फैंसी नंबर में आपको ये है कि 1000 का आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, नंबर को बुक करना पड़ता है, उसके बाद आपको डेट आती है और फिर आपका ऑक्शन होता है ऑनलाइन ऑक्शन, जो कि J&K में जो होता है, बाकी बाहर वाली स्टेट का मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जो J&K में है, और वहाँ पे आपको वो वाला प्रोसेस करना पड़ता है। और जो हमारा चॉइस नंबर है वो आपको सारी सीरीज आ जाएंगी, आपको डिस्प्ले होंगी, जो नंबर अवेलेबल होगा वो ग्रीन कलर में होगा और जो बुक्ड होगा ऑलरेडी वो रेड कलर में उसको पहले का किया होगा। तो फिर जो आपको चाहिए चॉइस नंबर वो आप उसी वक्त इंस्टेंटली आप सीधा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वहाँ पे, जो आपको नंबर पसंद आया अगर वो अवेलेबल है तो 5000 रुपीज़ आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो और वो आपके नाम पे बुक हो जाएगा, और फिर फाइल प्रोसेस होने में 10 से 15-20 दिन लगे, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, और हमें नंबर अभी शोरूम से हम लगवा के आ गए हैं। सो ये सारा था प्रोसेस, और कैसा लगा आपको नंबर और सीट कवर्स कैसे लग रहे हैं गाइज ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमें अच्छी डील मिल गई, मतलब अभी मुझे पता नहीं है क्वालिटी कौन सी है, बट क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है, मैंने सीट कवर्स को कटवाया नहीं है, कटिंग वगैरह नहीं करवाई है सीट्स को जो पहले के थे। और अभी आपको बता दूं कि इसमें 6 एयरबैग्स हैं, तो एयरबैग्स के लिए जिप है यहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि ओपन हो जाता है, बट अभी कोई पता नहीं है कि ओपन होता है या नहीं, अभी लगवा लिया है, रिस्क ले लिया,
तो होप की ऐसी नौबत नहीं आएगी, ओपन जरूरत पड़े इनको। तो बस यही था, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।